जम्मू के आरसपुरा सेक्टर के ब्लॉक मेरा साहिब से डीडीसी सदस्य विद्या मोटर ने आज अपने दौरे के दौरान पंचायत बग्गा जन्ना में विकास कार्य की शुरुआत कराई। इस दौरान उन्होंने एक गली नाली के निर्माण कार्य को शुरू करवाया। इससे पहले गांव बग्गा जन्ना में उनका ग्रामीणों से भव्य स्वागत किया गया और अपनी समस्याओं की जानकारी भी दी गई। अपने संबोधन में विद्या मोटर ने कहा कि आज उन्होंने लोगों की लंबित मांग को पूरा किया है। वहीं उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि क्षेत्र की नहर में धान की फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं आ रहा, जिससे किसानों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से नहरों में जल्द पानी छोड़ने की बात भी कही। इस मौके पर सरपंच कुसुम लता, पंच गिरधारी लाल, समाज सेवक देवराज सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। हम एक ऐसे लीडर हैं, ऐसा मुझे डीडीसी एक बीजेपी भाजपा ने में मुझे बनाया कि लोगों की हर समस्या जो है वो हमें देखनी है, तो हम मतलब हर जगह जाके देख रहे हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मौका मिला है जहाँ पे खड़े हैं मुकेश जी, भूपिंदर जी, ये जो हमारी नहर है ये पूरी सूख गई है, पानी जो है इधर नहीं आ रहा है। हम यही देख रहे हैं कि कब जे पानी इधर पहुंचाएंगे, और जो भी पीछे प्रॉब्लम है उनको जल्दी से जल्दी जे लोग ठीक करें और काम जो है जल्दी से ख़त्म करें, क्योंकि पानी जो है वो छोड़ें। जो हमारे किसान हैं उन लोगों की जो फसल है वो सूख रही है, ख़राब हो रही है। पहले ही हमारे जो किसान हैं वो बेचारे इतने वो तो है नहीं है, बहुत मुश्किल से उनका जो फसल निकलेगा उस फसल के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब सूख गया तो उनके बच्चे भी भूखे रहेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर पानी जल्दी नहीं आया तो हमारी जो हमारे किसान हैं उनको रोड पे आना पड़ेगा। तो अगर रोड पे नहीं आना मतलब अगर आप जल्दी काम करते हो तो हमारे किसान जो हैं वो खुश हो जाएंगे, उनका फसल आएगा, उनका परिवार चलेगा। जन्ना पंचायत और सरपंच जो है कुसुमलता जी, और जहाँ पे बहुत देर की जे डिमांड थी कि ये जो गलियाँ कभी बनी नहीं थी, तो इस गली का जो लागत है और 1,40,000 है, और इससे इनको बहुत सारी सुविधा भी मिलेगी और लोग खुश भी होंगे। और कुसुम लता जी जो हैं वो उन्होंने भी काफ़ी बार मेरे को बोला कि मैडम इधर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पे गलियां नालियां जो हैं वो बननी चाहिए। और हमारे जो गिरधारी लाल जी हैं जे भी जाके मेरे पास काफ़ी बोला, इन्होंने लिखवाया बताया कि कौन सी गली कहाँ पे है। तो बाकी जितने भी बगाजन निवासी हैं इन सबका बहुत बहुत थैंक्स कह रहे, इन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो कार्यकाल है इसके बीच में कोई नाराज ना हो, हर जगह हर जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे पहुँचूँगी, और जो भी इनकी समस्या होगी वो ज़रूर देखूँगी। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।